मुंबई में पढ़ाया, राजकोट में पढ़ाया, नासिक पढ़ाया, और अभी तो मैं वर्तमान में दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूँ। मेरे खुद का यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, देवरिया का रहने वाला हूँ सर, और मेरा देवरिया काफी मिल गया सर जी, और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय डीके सर। मैं सर 21 दिन तक सीबीएसई बोर्ड लड़ता रहा, सीटेट का पेपर लीक हो गया था 21 जनवरी को सर, कोई टीचर साथ नहीं दिया, बड़े बड़े टीचरों ने साइलेंस कर लिया सर यहाँ पे, इवन उन लोगों के पास सर प्रूफ भी था, सॉलिड प्रूफ था, वीडियो भी बना कर रखे थे सर जी। जब मैं सीबीएसई बोर्ड पहुंचा, आर के यादव है वहाँ पे सर डायरेक्टर सीबीएसई बोर्ड के, हमने कहा कि बड़ा सुने कि जाति से बड़ा जाति कभी नहीं जाती, ये दिमाग में रहता है, लेकिन हालांकि मैं टीचर हूँ ये सब नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं गया कि चलो भाई एटलीस्ट मैं अपनी बात तो रखें वहाँ पे। तो मैं गया सर, तो वहाँ पे मैंने एक लेटर लिखा 30 पेज का, मेरे पास खुद का कोई प्रूफ नहीं था सर यहाँ पे, ये मेरा एग्जाम भी नहीं था। मैंने अलग अलग, जैसे बिहार के बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, सीटेट का पेपर पता है ऑल ओवर इंडिया में होता है सर, अनलिमिटेड बच्चा बैठता है यहाँ पे सर, करोड़ों बच्चा फॉर्म के लिए अप्लाई करता है, लाखों बच्चा का रिजल्ट देखिए, रिजल्ट 13% आया, 97% लगभग 87% फेल है बच्चे, और इतने परेशान है, इतना फोन आता है कि सर जी हमारा 1 नंबर बढ़वा दो, 2 नंबर बढ़वा दो सर। तो मैं बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरह से सर आप जिस ये जो दिखाना चाह रहे हैं यूनिटी, ये जो जागरूकता दिखाना चाह रहे हैं, हमें बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, हम्पल ये रिक्वेस्ट है कि भैया आप कुछ मत करिए, आप अपने हक के लिए सही तरीके से लड़ने के लिए, कोई संविधान मना नहीं किया है, हमारा आर्टिकल 19 कहता है कि आप अपनी बात रखिए, भाई सही तरीके से रखिए, कौन सा गोली मार देगा, आप पुलिस खड़ी है तो पुलिस आपको जान थोड़ी नहीं लेगी, जब आपको पता चल जाएगा पुलिस हमारी सेवा के लिए है, ये प्रशासन बनती क्यों है, हमारी सेवा के लिए तो जनता की सेवा के लिए तो बनी है। तो हम जब टीचर होकर खुद ही पीछे हट जाएंगे तो आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा सर, अगर गलत हाथ में जाएगा, जैसे पेपर लीक होता है सर जी, तो बताइए बच्चों का माँ बाप का जो काम होता है सर 5-6 साल के बाद स्कूल में भेज देता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी पूरा भविष्य हमारे हाथ में होता है सर जी, अगर उस बच्चे का भविष्य अगर गलत हाथ में जाएगा तो उस बच्चा चोरी तो बनेगा, भ्रष्टाचारी तो बनेगा, क्या वो ISPS बनेगा, और ISPS बन भी गया तो आप भ्रष्टाचार करेगा कभी आपकी बात सुनेगा नहीं। तो बस एक ही मैसेज है कि ये वैकेंसी सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा 68,000 के लिए हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे, ये टेट के लिए लड़ रहे हैं, सुपर टेट के लिए, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर टीचिंग सेगमेंट हो या UPP का हो, RO का, सारे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, हम युवा हैं, हम सभी को सामने आना चाहिए, और हर परिवार के सदस्य को भी सपोर्ट करना चाहिए कि अगर आप नहीं आ पा रहे अपने बच्चों को भेजिए, भाई लड़के नहीं आ पा रही कोई बात नहीं, देखिए मोरल सपोर्ट भी किया जा सकता है सर, जैसे सर आप यूट्यूब के चैनल से आपने कहा कि भाई मैसेज दीजिए, आप यूट्यूब के चैनल के सपोर्ट के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हो सर, आप वो हौसला दे सकते हो, वो ताकत दे सकते हो कि सर हम आपके साथ हैं, जितना हो सकता है हम करिए, डिजिटल का जमाना है सर, हम यहाँ पे मैक्सिमम 5 से 1,000 बच्चा ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, आपको भी पता है सर जी, लेकिन अगर हम ये मैसेज अगर क्योंकि हर घर में एक कम से कम सर 3 से 4 मोबाइल है हर घर में, और सबके पास जियो का सिम है सर, तो ये मैसेज बहुत आसान है कम समय में पहुंचाना, सबसे बेस्ट तरीका मुझे लग रहा है सर यहाँ पे, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंडों तक शेयर करिए, क्योंकि सर आपको पता है इसमें लोग ना पॉजिटिव तो रहेंगे लेकिन आपके अपने ही लोग जब निगेटिव कमेंट करते हैं ना, बड़ा दुख होता है यहाँ पे कि सर आप एक तो संघर्ष कर रहे हो, लड़ रहे हैं यहाँ पे, और लोग आपकी खिंचाई भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे घबराना नहीं है, दुनिया का काम है बुराई करना, क्योंकि आप जिंदा है तो निंदा होगी, भगवत गीता में सीधे बोला गया यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, पर मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, लेकिन मेहनत हमारे यूपी बिहार और पूरे हिंदुस्तान जैसे टीचरों की ना इतिहास बनाती है, और ये ताकत हो ना तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, जज्बा और जुनून चाहिए कुछ भी करने के लिए यहाँ पे। मैं हमेशा कहता हूँ, सुनिएगा मेरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, सुनिएगा, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और कदम ऐसे चलाओ कि निशान हो जाए, ये तो लखनऊ में काट लेते हैं सभी अपनी जिंदगी, तुम जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की जय, माता की जय। पता है डर है लेकिन कोई भूले नहीं देगा, फिर भी हम लोग डरेंगे नहीं।